चीन और रूस मिलकर चांद पर परमाणु प्लांट बनाना चाहते हैं। इसके लिए दोनों मिलकर काम करेंगे। 2033-35 में रूस और चीन मिलकर चांद की सतह पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाएगा। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को चांद की सतह तक पहुंचाने के लिए रूस न्यूक्लियर पावर से चलने वाला रॉकेट ज्यूस बनाया जाएगा। ये एक कार्गो रॉकेट होगा और पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज कश्मीर जा रहे हैं। पीएम मोदी श्रीनगर में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर के तहत 6400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। पीएम दोपहर 12 बजे श्रीनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। उद्धव ने महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर के उस फैसले को चैलेंज किया, जिसमें उन्होंने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राउच एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। ये समन परिवर्तन निदेशालय को अर्जी पर भेजा गया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से 16 मार्च तक पेश होने का निर्देश दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अटैकिंग मूड में नजर आ रही है। इसके लिए पार्टी दूसरे दलों के परिवार में सेंध लगाकर वहां से बड़े नामों को अपने खेमे में मिलाने में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी वरिष्ठ कांग्रेस नेता के करुणा करक की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल को पार्टी में शामिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक आज शाम 6 बजे होगी। इसमें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा दूसरे नेता भी बैठक में हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ईडी टीम पर हमले के आरोपी शेख शाहजहां की कस्टडी बुधवार को सीबीआई को मिल गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट के दूसरे आदेश के बाद बंगाल पुलिस ने शाहजहां को सीबीआई के हवाले कर दिया। आज सीबीआई शेख शाहजहां से पूछताछ करेगी। उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के बाद मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने कर दिया है। बीएसपी आगामी लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इसी के साथ अब मध्य प्रदेश का मुकाबला भी त्रिकोणीय हो सकता है। सपा के साथ साथ अब मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी मध्य प्रदेश में किस्मत आजमाने की तैयारी में है। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके रिश्तेदारों के घर ईडी ने छापा मारा है। गुरुवार सुबह 6 गाड़ियों से ईडी के अफसर विधायक के जाचमऊ और बेकनगंज स्थित घर पहुंचे। यहां सबसे पहले अफसरों ने घर के लोगों के मोबाइल जमा करा लिए, उसके बाद सीसीटीवी कनेक्शन भी काट दिए। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश में बेहतर गौशालाओं के प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव गौ रक्षा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि गौ संवर्धन के लिए समिति बनाई जाएगी, जिसमें राजस्व विभाग, नगरीय प्रशासन, धर्मस्व विभाग और वन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। हरियाणा सरकार ने श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन, श्री हरमिंद्र साहिब गुरुद्वारा, श्री पटना साहिब गुरुद्वारा, काशी विश्वनाथ के दर्शन करवाने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के अंतर्गत एक पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर पंजीकृत श्रद्धालुओं को सरकार की ओर से निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। करनाल की नई अनाज मंडी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्यस्तरीय लखपति दीदी महासम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की और करनाल लोकसभा क्षेत्र की महिलाओं को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा पीएम मोदी ने बहनों के लिए योजनाएं बनाई हैं कि बहनों को किस तरह लखपति बनाया जाए। रुड़की के रामपुर चुंगी में भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सलमान ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वे किसानों की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने युवा प्रदेश उपाध्याय जुल्फिकार फरीदी को जिम्मेदारी सौंपी है। इससे संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी।
जयपुर नगर निगम में कोर्ट के आदेश से साधारण सभा की द्वितीय बैठक हुई। बैठक में निगम के कर्मचारियों का स्थायीकरण, कुछ नए टेंडर समेत कुल 7 प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी, लेकिन सदन में कांग्रेस और बीजेपी की जमकर हंगामा करने लगे, जिससे महापौर मुनेश गुर्जर किसी भी प्रस्ताव को पारित करने में असफल रही। भोपाल मसाजिद कमेटी के पूर्व सचिव यासिर अराफात के मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब यासिर अराफात के खिलाफ अनियमितताओं को लेकर 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सनफर पटेल ने बताया कि हज कमेटी में भी अनुदान को लेकर कुछ गड़बड़ियों की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जाँच की जाएगी। साइबर पुलिस ने 3 छात्र ठगों को मुंबई कॉल सेंटर से गिरफ्तार किया। आरोपी ऑनलाइन ऐप से लोन देकर 40% तक का ब्याज वसूलते थे। रकम मिलने के बाद भी मोबाइल का डाटा हैक कर लेते थे और लोन लेने वालों के करीबी रिश्तेदारों को उनके एडिटेड अश्लील फोटो भेजते थे, उनसे भी रकम की मांग किया करते थे। अब पुलिस इस पूरे आरोपियों को लेकर दबिश देने में जुटी है। भोपाल में साइबर क्राइम ब्रांच ने लाखों रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी सेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करते थे। आरोपी अब तक 12 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। फरियादी ने बताया कि आरोपी से उसकी मुलाकात एसएससी के इंटरव्यू के दौरान हुई। इस दौरान आरोपी नीरज ने उसे मिलिट्री में नौकरी दिलाने का आश्वासन देकर उसे ठगी की। इंदौर में एक दुकानदार पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के जानकारी के मुताबिक बाणगंगा थाना क्षेत्र में मृतक नाश्ते की दुकान चलाता था। वहीं दुकान के आगे कुछ लोगों का विवाद चल रहा था, इसी दौरान आरोपियों ने चाकू मारकर दुकानदार की हत्या कर दी। डिंडोरी में अपर नर्मदा परियोजना से बनने वाले 3 बांध को लेकर ग्रामीणों ने जनसंवाद महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम बस स्टैंड में आयोजित किया गया, जिसमें जिले के समाजसेवी गोंडवाना पार्टी के नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते मौजूद रहे। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने सभी बांधों का विरोध कर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रयागराज के बारा में मजार पर झाड़ फूंक कराने गई किशोरी लापता हो गई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत की। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद परिजनों ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन शुरू किया। धरने पर बैठे शंकरगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि थाना प्रभारी की निष्क्रियता के चलते बस 20 दिन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। बहराइच के एक विवाह समारोह में खाना खाने को लेकर बारातियों और घरातियों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि जबरदस्त मारपीट शुरू हो गई। इस विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में सिलेंडर फटने से पति पत्नी समेत 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना काकोरी थाना क्षेत्र की है, जहां एक घर में देर रात आग लगने से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे 2 मंजिला मकान जमीन दोस्त हो गया। हादसे में पति पत्नी समेत 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि घर के करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में किसान ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने आनंद फानंद में उसे नीचे उतारा और मोर ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि ओलावृष्टि के कारण किसान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, इसी बात से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया है। सहारनपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 38,35,000 रुपए बरामद किए। ये कार यूपी से पंजाब जा रही थी। कार का रजिस्ट्रेशन पंजाब का होने के कारण पुलिस ने वाहन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान जो धनराशि बरामद हुई, उसके बारे में कार सवार कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दे सके और न ही आवश्यक दस्तावेज दिखा पाए। बाद में पुलिस ने आयकर विभाग को सूचित किया। रामपुर पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मुठभेड़ ग्राम रतनपुर के जंगल में हुई है। बता दें कि गौकश पशुओं को काटने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस ने जंगल में दबिश दी और इस दौरान पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। आपको लेकर उत्तराखंड में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होने की संभावना है। इसे लेकर हल्द्वानी विधायक सुमित हरद्वेश ने कहा कि सभी का पक्ष लेकर जल्द उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा।
लखनऊ में मातृशक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए। कार्यक्रम में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अनिल गुलहानी समेत हजारों महिलाएं मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने कहा कि बीजेपी सरकार ने महिलाओं को लखपति बनाया और बीजेपी महिला सशक्तिकरण पर लगातार काम कर रही है। भरतपुर में पुलिस ने दो पटवारियों को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अतिरिक्त एसपी एमएस सिंह ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की भरतपुर इकाई को शिकायत मिली थी कि फरियादी की विरासत नामांतरण खोलने के एवज में पटवारी हरीश शर्मा ने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी पहली किस्त लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार किया गया। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाए गए एक मानसिक रोगी ने जमकर उत्पात मचाया। साथ आए परिजन ने जब मानसिक रोगी को रोकने का प्रयास किया तो मरीज ने परिजन पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद रोगी को रस्सी से बांधकर काबू में किया गया। जिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर संगीता गुप्ता ने बताया कि इलाज के बाद मरीज को बरेली रेफर कर दिया गया है। इंदौर में एक अस्पताल में होम्योपैथिक के नाम पर एलोपैथिक इलाज चल रहा है। इतना ही नहीं, अस्पताल में बिना रजिस्ट्रेशन के कैंसर जैसी घातक बीमारी का भी इलाज किया जा रहा है। अस्पताल का दावा है कि यहां अन्य अस्पतालों की तुलना में मरीजों का बेहतर इलाज हो रहा है। फिलहाल अस्पताल में नियमों के उल्लंघन मामले में जांच जारी है। उन्नाव में स्कूली बच्चों से भरी एक तेज रफ्तार वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 11 बच्चे घायल हो गए हैं। पूरा मामला सोहरामाऊ थाना क्षेत्र का है, जहां लखनऊ कानपुर हाईवे पर वैन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया। इस हादसे में नर्सरी में पढ़ने वाले एक 5 साल के मासूम की मौत हो गई। बुलडाना जिले में नए आईएएस अधिकारी विशाल नरवाड़े की उन्हें गृह जिले में हुई नियुक्तियां विवादों में आ गई हैं। दरअसल चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक चुनाव अवधि के दौरान किसी भी अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति अपने ही जिले में नहीं की जा सकती। विपक्ष ने अब चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की और विशाल नरवाड़े के ट्रांसफर की मांग की है। गुना में एक अस्पताल में समय पर इलाज नहीं मिलने से मासूम की मौत हो गई, जिससे परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर पैसे ना देने के कारण मासूम का इलाज नहीं किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। हरदोई के तालेपुरवा गांव के पास बाइक सवार कुछ दबंगों ने युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दी। युवक की चीख पुकार सुनकर जैसे ही कुछ ग्रामीण वहां पहुंचे, दबंग मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकान से चोरी का मामला सामने आया, जहां चोर सोने की अंगूठी चुराकर फरार हो गए। दरअसल चोर ग्राहक बनकर ज्वेलरी खरीदने दुकान पर आए थे, इसी बीच मौका देख उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। खरगोन में पुलिस ने लगातार हो रही चोरी की घटना का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने पार्टी गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये गैंग आसपास के क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। फिलहाल इस गैंग में एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पीलीभीत के महादिया गांव में बारातियों को लेने जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बस ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि बस खाली होने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद ट्रेन की मदद से बस को सीधा किया गया, जिसके बाद बस फिर से बारातियों को लेने में के लिए रवाना हुई। रायबरेली में होटल में खाना खाने को लेकर दबंगों की दबंगाई देखने को मिली है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के प्रताप पैलेस का है, जहां आधा दर्जन दबंगों ने होटल मैनेजर के साथ जमकर मारपीट कर दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 4 युवकों को हिरासत में ले लिया। बांदा के कहला गांव में शादी की खुशियां मातम में बदल गई, जहां शादी के एक दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक प्रेम संबंध के चलते परिवार के लोगों ने दोनों की शादी कराने का फैसला लिया था। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है।
बलिया में बड़ी संख्या में राज्य कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और पुरानी पेंशन बहाली समेत अन्य मांगों को लेकर अल्टीमेटम भी दिया। संगठन के पदाधिकारी योगेंद्र पांडे का कहना है कि जो पार्टी पुरानी पेंशन समेत अन्य मांगों को पूरा करने का वादा करेगी, हम वोट भी उसी को देंगे। एक्ट्रेस कंगना रनौत उन चुनिंदा बॉलीवुड स्लैब्स में से एक है जो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन में नजर नहीं आई। अब उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इंडस्ट्री के अपने उन कलीग्स पर टेक लिया है जिन्होंने अंबानी की पार्टी में परफॉर्म किया। इतना ही नहीं, अपनी तुलना लता मंगेशकर से करते हुए कहा कि उन्होंने लता जी की तरह कभी किसी प्राइवेट इवेंट में परफॉर्म करने का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ आलिया सिद्दीकी के खिलाफ बीती 29 फरवरी को अंधेरी कोर्ट ने 138 नेगोशिएबल एक्ट के तहत नॉन बेलेबल वारंट इशू जारी किया है। ये मामला 2022 में रिलीज हुई फिल्म होली काउ से जुड़ा हुआ है जिसे आलिया ने प्रोड्यूस किया था और अब आलिया पर 5 साल पहले 31,68,000 रुपए ना लौटाने को लेकर मामला दर्ज किया गया। हाल ही में डायरेक्टर कबीर खान कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश हाबड़ा के अपकमिंग पॉडकास्ट में इंटरव्यू देने पहुंचे। यहां उन्होंने फिल्म एक था टाइगर का जिक्र करते हुए कहा, कैटरीना को हम पहले ही जोया के लिए साइन कर चुके थे, फिर हम सलमान के पास गए। ये वो स्टेज थी जब दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं थे। कृतिक हरबंदा और पुलकित सम्राट की जो बीते काफी वक्त से अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में, अब दोनों फरवरी में शादी करने वाले थे लेकिन ऐसा ना हो पाया। हालांकि अब कपल का वेडिंग कार्ड ऑनलाइन लीक हो गया है। इस एनिमेटेड कार्ड पर लिखा है, अपने स्क्वाड के साथ जश्न मनाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, लव कृति और पुलकित। फिल्म मेकर अभिषेक कपूर ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ 2 फिल्मों पर काम किया। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत डिस्टर्ब थे, मैं उसे अच्छे से जानता था, वो बहुत ही स्ट्रांग इंसान था। उस वक्त उसे लेकर कई तरह के ब्लाइंड आर्टिकल चल रहे थे जिन्हें पढ़कर वो काफी अकेला और हेल्पलेस फील करता था। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 10 मार्च तक मौसम साफ रहेगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ज्यादा असर नहीं रहेगा। ग्वालियर चंबल संभाग में हल्के बादल जरूर छाए रहेंगे, वहीं उत्तरी हवाओं की वजह से ठंडक रहेगी। 2 दिन बाद दिन रात के टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। इससे पहले बुधवार को नरसिंहपुर सिवनी और धार में पारा 34 डिग्री या इससे अधिक रहा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। अगले 24 घंटे में राज्य के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी के आसार हुए। बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की तापमान में गिरावट देखी गई। गोरेला पेंड्रा मरवाही और मुंगेली जिले में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश भी हुई। उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पिछले कई दिनों से चल रही तेज हवाओं का सिलसिला अब थमने जा रहा है। दिन के वक्त हवाओं के रुकते ही गर्मी बढ़ेगी, तापमान चढ़ेगा जिससे लोगों को गर्मी का एहसास होने लग जाएगा। बिहार में बार बार मौसम में उलटफेर देखने को मिल रहा है, कभी बारिश तो कभी ठंड के बढ़ जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं तापमान में आंशिक गिरावट आने से सुबह शाम हल्की ठंड का प्रभाव बन रहेगा। बुधवार को पटना सहित आसपास इलाकों में तेज पछुआ हवा का प्रभाव बने होने के कारण मौसम शुष्क बना रहेगा। और आखिर में उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक धूप और बादलों की आंख मिचोली जारी रही। मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं धूप खिलने से पारा चढ़ने लगा लेकिन सुबह शाम ठिठुरन बरकरार रही। ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। हालांकि अगले कुछ दिनों में पारे में तेजी से इजाफा हो सकता है।